हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा क्यू कार्ड है दैट इज़ डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू सॉ अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। एक ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्टेज देखी हो। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं फेयर एंड व्हेन यू सॉ द प्लास्टिक वेस्ट। आपने कब और कहाँ देखी वो प्लास्टिक वेस्टेज। व्हाई देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्टेज क्यों थी। What you did after you saw it, आपने क्या किया जब आपने वो प्लास्टिक वेस्टेज देखी। And explain what your thoughts were about this, और ये भी बताओ कि आपको कैसा फील हुआ, आपकी thoughts क्या थी जब आपने वो प्लास्टिक वेस्टेज देखी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Unfortunately, increasing plastic waste is becoming a burning issue nowadays. आज की डेट में प्लास्टिक वेस्टेज बढ़ना एक बहुत ज़्यादा सीरियस और बर्निंग इश्यू बन चुका है। हाउएवर टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई सॉ अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। बट मैं आज एक ऐसे टाइम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जब मैंने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्टेज देखी। इट वॉज अबाउट 2 weeks बिफोर, ये 2 हफ्ते पहले की बात है। व्हेन आई वेंट टू जवाहर पार्क, जब मैं जवाहर पार्क गया था। I visited there after a long time due to my busy schedule. मैं वहाँ पर अपने busy schedule के कारण बहुत देर के बाद गया था। Actually, I was shocked to see plastic bottles, wrappers and polythene bags all around the park. मैं वहाँ जाके plastic bottles, wrappers और polythene bags को देख के, जो कि बिखरे पड़े थे पूरे के पूरे पार्क में, देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। इट वॉज स्पॉइलिंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, ये उस पार्क की नेचुरल ब्यूटी को भी खराब कर रहा था। द मेन रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम इज मैनी पीपल विजिट दिस पार्क एवरी डे एंड ऑफन कैरी पैक्ड फूड एंड वाटर बॉटल्स एंड डंप इट केयरलेसली। जो मेन प्रॉब्लम थी जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी कि जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते थे और अपने साथ खाने का पैक्ड सामान लेके आते थे और वाटर बॉटल्स लेके आते थे, और खाना खाने के बाद और वाटर बॉटल्स में से पानी पीने के बाद वहाँ पर ही डंप कर देते थे पार्क में, कहीं भी किधर भी। आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट देयर वॉज नो रूल एंड रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग द पार्क, और मैं वहाँ पर जाके बहुत हैरान था, शॉक्ड था कि वहाँ पर कोई रूल नहीं था जिससे पार्क को क्लीन करना था। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई ट्राइड टू कॉल द पार्क मैनेजमेंट टू कंप्लेन अबाउट द गार्बेज। एक समझदार, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के कारण मैंने पार्क मैनेजमेंट को कॉल करने की कोशिश की ताकि मैं उन्हें बता पाऊँ कि पार्क में कितना ज़्यादा गंद फैल रखा है। बट देवर अनरिस्पॉन्सिव, बट उन्होंने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। देन आई कॉल्ड माई क्लासमेट्स एंड मेड देम अवेयर विद द इशू, और मैंने अपने क्लासमेट्स को बुलाया और उनको अवेयर किया इस इशू के बारे में कि पार्क बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। विद इन 1 hour माई क्लासमेट्स विजिटेड द पार्क एंड एश्योर्ड मी दे वुड क्लियर द मेस विद इन अ फ्यू आवर्स। 1 घंटे के बीच में मेरे सभी क्लासमेट्स वहाँ पर पार्क में आ गए और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी कि वो सभी की सभी गंदगी को, सारे के सारी मेस को क्लियर कर देंगे, पार्क को क्लीन कर देंगे कुछ ही घंटों में। वी ऑल डिवाइडेड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया एंड क्लीन्ड द होल पार्क इन जस्ट फ्यू आवर्स, और कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे पार्क को क्लीन कर दिया। In addition, we also kept new dustbins in all corners of the park. इसके अलावा हमने नए dustbins पार्क के सभी corners में रख दिए। Lastly, I also wrote an email to local authorities. मैंने एक email भी लिखी local authorities को regarding the strict action to be taken, कि एक strict action लो against humans who spread garbage in the park, उन लोगों के खिलाफ जो पार्क में गंदगी फैला रहे थे। So this was the time, so ये एक ऐसा टाइम था when I saw
ए लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जब मैंने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्टेज देखी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।